आप देख रहे हैं राजधर्म, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बेहद उत्साहित हैं। अयोध्या से पल पल की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक सिंगर स्वाति मिश्रा का भजन सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। प्रधानमंत्री ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, श्री रामलला के स्वागत में स्वाति मिश्रा का भक्ति से भरा ये भजन मंत्र मुग्ध करने वाला है। सिंगर स्वाति मिश्रा बिहार के छपरा की रहने वाली हैं। स्वाति किसी संगीत घराने से नहीं आती हैं और उनके परिवार के किसी भी सदस्य का संगीत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, फिर भी स्वाति का ये भजन दिवाली के वक्त से ही सभी की जुबां पर चढ़ा हुआ है। पहले आपको ये भजन सुना देती हूँ और फिर स्वाति मिश्रा भी बहुत जल्द हमारे साथ इंडिया टीवी पर लाइव होंगी। आपने ये गाना सुना और इस गाने को गाने वाली स्वाति मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच स्वाति। देखिए, मुझे भक्ति से भी बड़ा मैं कहूंगी कि मुझे रस मिलता है और संगीत से भी मैं बड़ा प्रेम करती हूँ, और वाकई में ये बात बिल्कुल सच है कि आपका ये जो भजन है ये दीपावली से ऐसा लोगों के जुबान पर चढ़ गया है कि जब भी लोग इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब की शॉर्ट्स और रील्स बनाते हैं तब आपके इस भजन का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि कैसा लगता है, आप इतनी पॉपुलर हो गई हैं, आपका भजन इतना पॉपुलर हो गया है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत एक आर्टिस्ट इस दिन के लिए आई थिंक पूरी लाइफ मेहनत करता है, पूरी लाइफ का इंतज़ार करता है, और वो चीज़ मुझे इस तरीके से मिल रही है, राम जी के भजन के थ्रू मिल रही है, तो वो मेरे लिए सोने पे सुहागे की बात है कि भजन के थ्रू मुझे ये नेम फेम जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है, तो बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। स्वाति जी, ये भजन आपने पहली बार कब इस तरह से गाने का सोचा, कब ये सोचा कि ये भजन तो इतना प्यारा है, इसकी लिरिक्स इतनी प्यारी है, शब्द इतने प्यारे हैं, भाव इतने अच्छे हैं कि ये तो लोगों के मन में जाने वाले हैं? जी, ये सबसे पहले भजन मैंने सुना था प्रेम भूषण जी के यूट्यूब चैनल पे, उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो ये गीत गुनगुना रहे थे और सभा में बैठे हुए थे किसी, तो मैंने वहीं से ये प्रेरणा ली कि ये भजन तो मुझे करना ही है, क्योंकि ये भजन बहुत प्यारा है और पता नहीं क्यों लोग इस भजन को नहीं गाते हैं, नहीं गुनगुनाते हैं, नहीं जानते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं ही इस भजन को गाती हूँ। मैंने एक दो बार ये भजन सुना है, लेकिन मैं बड़ी ऑनेस्टली कहूँगी कि मैं उनका नाम नहीं लूंगी जिन्होंने ये गाया, क्योंकि वो भी बड़े पॉपुलर हैं और उन्होंने भी अच्छा गाया। ये तो भाव की बात है, भक्ति की बात है। कभी कभी किसी का गाया हुआ कोई गीत पॉपुलर हो जाता है, लेकिन जब ये आपने गाया तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा ये भजन तो आप ही के लिए बना था, आप ही के भावों के लिए बना था। बस मुझे लगता है कि राम जी की कृपा है, राम जी शायद जिस दिन मैं ये गाना रिकॉर्ड कर रही होंगी, भजन रिकॉर्ड कर रही होंगी, राम जी मेरी वाणी में आ गए होंगे और उस वहाँ से ये फीलिंग आई होगी शायद। स्वाति, अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी आपके इस भजन की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया है, गर्व होता है? जी जी जी, आज सुबह मेरी नींद खुली इस खबर के साथ और सब कुछ बिल्कुल बदल सा गया है। क्या बदला है, चलिए ये बताइए क्या क्या बदल गया है। जी, सबसे पहले तो बधाइयों के लिए मुझे इतने कॉल्स आ रहे हैं, फिर मीडिया इंटरेक्शन के लिए भी बहुत कॉल आ रहा है, फिर मेरी फैमिली के पास भी आज तक मीडिया पहुंची थी, तो ऐसे करके बहुत बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आज तक की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। और निमंत्रण भी आया है क्या राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का? अभी तक तो नहीं। मन कर रहा है जाने का? बिल्कुल, सबको मन कर रहा होगा मेरे हिसाब से। क्या मन कर रहा है आपका? कि प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे, उस टाइम पे एक भी भजन, एक लाइन भी अगर श्री राम जी के चरणों में गाने का मौका मिल जाता तो जिंदगी बिल्कुल वहां से बदल जाती, तर जाती। अच्छा स्वाति, एक बात बताएं कि आपने कहा राम आएंगे, अब तो राम आ रहे हैं,
और तारीख भी हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, बड़ा भव्य अनुष्ठान होने वाला है। और इसी के लिए मैं देख रही हूँ, एक दिन पहले आपने एक और बड़ा सुंदर भजन गाकर डाला है, राम आए हैं, राम तो आ गए हैं। स्वाति जी, आप इतने अच्छे अच्छे भजन गाती हैं, मैं देख रही हूँ आपने दुर्गा जी पे भी इतने अच्छे भजन गाए हैं, आपने अपनी जो भाषा है यानी कि भोजपुरी भाषा में जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, बिहार की धरती से, आप बिहार की पुत्री हैं, तो आपने अपनी भाषा में भी बड़े अच्छे अच्छे भजन गाए हैं, उनमें से आपके दिल के करीब कौन सा भजन है? आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, मिथिला के तो हम सब बड़े उपासक हैं, हम जानते हैं मिथिला की बेटी के हम उपासक हैं, तो चलिए मिथिला की ही बात हो जाए। जी जरूर। माथे मनी मौरिया कुंडल सोहे कनावा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोभे कनावा, कारी कारी कजरारे जुलमी नयनावा, लाले चंदन चमके उनके भाल सखियां, लाले चंदन चमके उनके भाल सखियां, चारों दुल हवे बड़का कमाल सखियां, चारों दुल हमे राम जी कमाल सखियां। थैंक यू। आप कितना मीठा गाती हैं, उतनी प्यारी आप दिखती भी हैं और इतने प्यार से आप बात भी करती हैं। कभी घर वाले आपको ये कहते हैं कि बेटा आजकल के ज़माने में तो लोग इतने ट्रेंडी गाने गाते हैं और रैप गाते हैं, आपके घर में तो कोई ऐसे गीत संगीत के जानकार भी नहीं है, आपने सीखा भी नहीं है, फिर अचानक से इस राह पर आप कैसे बढ़ गईं? घर में फैमिली में बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक से नहीं है, लेकिन मैंने म्यूज़िक सीखा है, पिछले 8 सालों से म्यूज़िक में हूँ, तो म्यूज़िक मैंने सीखा है। और अगर मैं भक्ति गानों की बात करूँ ना, तो इसका कंप्लीट जो श्रेय जाता है वो मेरे फादर को जाता है, क्योंकि मैंने हिंदी सॉन्ग्स बॉलीवुड के सॉन्ग से करियर शुरू किया था इसका, अभी भी करती हूँ मैं, अभी भी गाती हूँ, लेकिन जो भक्ति सॉन्ग्स की डिमांड होती है वो मेरे पापा की होती है। जैसे छठ के टाइम पे फ़ोन करके बोलेंगे छठ का गाना इस बार आना चाहिए, एक दो गाना डालो किसी भी ओकेजन पे, जैसे रामनवमी हो गई या तो फिर दुर्गा पूजा हो गया, तो उनका कॉल ज़रूर आता है कि इस मौके पे गाना तुम्हारा आना चाहिए, भक्ति गा के डालो। तो छठ पूजा तो अभी गई ही है, तो एक जरा सूर्य देवता की उपासना का भी गीत सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाओ। रामचंद्र जी भी तो हमारे सूर्यवंशी हैं। सीताली। जी जी बिल्कुल जी। स्वाति मुझे एक बात बताएं, चूंकि अब तो देखिए भव्य प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को होने ही वाला है और उसके बाद से आम भक्तों के लिए 23 तारीख को मंदिर के द्वार खुल जाएंगे, आप कब आ रही हैं अयोध्या? मैं अयोध्या प्रॉबेबली मैं 25 के बाद अयोध्या जाऊं। अगर मैं मंदिर के उसमें इनॉग्रेशन में नहीं जाती हूं, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाती हूं, तो मैं 25 के बाद अयोध्या जाऊंगी स्पेशली दर्शन करने के लिए राम जी के। 25 तारीख क्यों रख ली आपने? आप उससे और थोड़ा पहले आइए, हमारी आपसे वहाँ भी मुलाकात होगी, क्योंकि देखिए राम जी का बुलावा है, हमें तो जाना ही है, आप भी थोड़ा आइए, परिवार के साथ आइए। परिवार वाले आपको क्या कहते हैं? आपने अपने पापा की भूमिका तो बता दी कि वो ये कहते हैं कि बेटा भजन गाकर ज़रूर डालना, माँ क्या कहती हैं और प्रेरणा के स्रोत कौन कौन हैं? जी अगर ऑनेस्टली बात करो तो मेरी पूरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, राम जी की कृपा तो बचपन से आई थिंक मेरे ऊपर है, क्योंकि इतनी सपोर्टिव फैमिली मिलना भी एक मुश्किल काम है एक आर्टिस्ट के लिए, जो हर तरह से आपके जब आप बिल्कुल अपने करियर के डाउनफॉल में होते हो तब भी वो सपोर्ट करें और जब हाई में होते हो तब भी सपोर्ट करें। मुझे मेरी फैमिली से जितना सपोर्ट मिला है, आज जो भी हूँ, जो भी कर पा रही हूँ लाइफ में, वो सब मेरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से है, चाहे वो पापा हों, चाहे वो मम्मी हो, तो चाहे वो मेरे भाई बहन हो, बहुत सपोर्टिव हैं सारे।
तो कभी ऐसा माता पिता बोलते हैं कि ये जो करियर आपने ऑप्ट कर लिया है, आपने पापा की तो बात कही, लेकिन कभी नाते रिश्तेदारों में बोलते हैं कि आर्टिस्ट का ये कोई करियर होता है? क्योंकि अब बिहार जहाँ से आप आती हैं वहाँ पर तो दो ही चीज़ें, या तो बच्चों को IAS बनवा दो, IPS बनवा दो, लड़कियां हैं तो टीचर बनवा दो, डॉक्टर इंजीनियर की, मतलब वो एक जो ट्रेडिशनल सोच रही है घर वालों की, और बेटियां हैं तो सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि बहुत पढ़ लिख ली, अब शादी करवा दो। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सच बात है ये, और ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन जो भी इस तरीके की बात सामने से अगर मेरे पापा के सामने वो कर दे, तो मेरे फादर एक ही जवाब देते हैं कि अगर इंदिरा गांधी के पिता ने, लता जी के पिता ने, या फिर जितने भी फीमेल्स हमारी कंट्री में हैं जिन्होंने एक जगह बनाई है अपनी ज़िंदगी में, उन सब के एग्जांपल्स दे के बोलते हैं, अगर उनके पिता ने, उनके फैमिली ने टांग खींच ली होती तो आज आप उनको नहीं जानते। तो आप लता मंगेशकर को देखना चाहते हो, लेकिन अपनी फैमिली में अगर कोई बनना चाहे तो आप बनने का मौका नहीं दोगे। मैं पूरा मौका दूंगा, हमेशा पापा डट के सबसे सामना करते हैं कि मैं पूरा मौका दूंगा, मैं आपसे इसके लिए पैसे नहीं मांग रहा, इसको पढ़ाने के लिए मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं इतना पढ़ाऊंगा। तो बहुत, मेरे पापा बहुत ज़िद्दी सपोर्टर हैं मेरे। ज़िद्दी सपोर्टर हैं, बड़ा अच्छा टर्म आपने कहा। मैं अगर राम की ही बात करूं, क्योंकि आप बार बार अपनी हर बात में कहती हैं कि राम जी की कृपा रही है आप पर, क्योंकि ये बात सच है, अगर परिवार का साथ होता है तो चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, तभी वो आगे बढ़ सकता है, निसंकोच आगे बढ़ सकता है, अगर पीछे परिवार सपोर्ट करने वाला हो।